किंगडम वॉलियस्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी विशेष है एज यूजुअल कि आप लोग बहुत अच्छे से रहिए। सो मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि मैं, मेरे भाई, हम सबको अपने दोस्तों से बहुत अच्छी अच्छी सरप्राइज गिफ्ट मिलती है, लेकिन मेरी मम्मी की कोई खास दोस्त नहीं है बाहर। हम ही उनके बच्चे हैं, हम ही उनके दोस्त हैं। सो उनको ज़्यादा सरप्राइज गिफ्ट नहीं मिलती है। सो आज मैंने सोचा है कि मम्मी की ये ख्वाहिश कैसे पूरी की जाए। सो एक बहुत बढ़िया प्लान है मेरे माइंड में। मम्मी को एक सरप्राइज गिफ्ट मैं दूंगी और वो बहुत फनी होने वाला है, बहुत फनी। ठीक है, मम्मी को वो गिफ्ट मिलके अच्छा भी लगेगा और बहुत हंसी भी आएगी। वो हैरान भी होगी कि ये भी गिफ्ट हो सकता है क्या। लेकिन वो क्या है वो मैं बताऊंगी, बट अभी मुझे पहले निकलना पड़ेगा स्टूडियो, फिर मैं वहां से वापस आऊंगी और फिर मैं मम्मी को वो फनी वाला सरप्राइज गिफ्ट करूंगी। हे गाइस, तो मैं स्टूडियो आ चुकी हूँ। अभी स्टूडियो के अंदर चलेंगे, प्रोग्राम कम्प्लीट करेंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं। हे गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, अभी चलेंगे स्टूडियो के अंदर। सो गाइज, मैं तो स्टूडियो के अंदर आ चुकी हूँ लेकिन अभी तक सेटअप पूरा रेडी नहीं हुआ है। सो देख लीजिए एक बार स्टूडियो के अंदर का झलक। हे गाइज, तो मेरी प्रोग्राम हो चुकी है कंप्लीट। अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ स्टूडियो से, अभी मुझे घर वापस जाना है और उसके बाद मम्मी के साथ होगा फनी प्रैंक। चलिए। गाइस, मैं बैठ चुकी हूँ लंच पे और आज लंच में क्या क्या है चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज लंच पे मुझे मिला है राइस पम्पकिन, यानी कुमड़ो, बंगाली में कहते हैं कुमड़ो, उसके साथ भिंडी की भाजी और साथ ही साथ मुर्गा। सो चलिए लंच पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद। गाइस, तो मैंने मम्मी को सरप्राइज देने के लिए जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया, मैंने दुकान से ले लिया है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ एक गिफ्ट शॉप में, जहाँ पे जाके वो सरप्राइज मैं पैक करवाऊंगी और फिर देखेंगे मजा घर आके कि मम्मी को कैसा लगता है ये सरप्राइज। तो गाइस, मम्मी को देनी है सरप्राइज गिफ्ट। मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी इस गिफ्ट को देख के, बट इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है वो तो जब मम्मी ओपन करेंगी तब देखेंगे और मजा आएगा। चलिए घर चलते हैं और फिर घर पहुंच के ये मस्ती करते हैं। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे और ये सरप्राइज गिफ्ट मेरे मम्मी के लिए। सो मम्मी, ये तुम्हारे लिए, इसको ओपन करो और बताओ कि इस पे जो गिफ्ट है वो तुमको कैसा लगा, क्योंकि तुम हमेशा कहती हो कि सब हम लोगों को गिफ्ट मिलता है, तुम्हें उतना गिफ्ट नहीं मिलता है, कोई नहीं कुछ देता है, तो ये तुम्हारे लिए, ओपन करो, ओपन करो। तुम्हारे लिए लाई हूँ मम्मी, देखा, तुम्हारे लिए क्या लगता है क्या है इसमें, पहले ये बताओ तुमको क्या लगता है इसमें क्या है। मिल्क मॉक। नहीं, तुम ये बताओ, अंदाजा लगाओ कि इसमें क्या है, पहले बताओ, पहले आइडिया लगाओ कि, हाँ है, रुक जाओ पापा, पहले अंदाजा लगाओ कि इसमें क्या है। मोड़ी होती है तो मॉक। हाँ, मॉक होती है। सेलू टेप पहले खोलना है, सेलू टेप नहीं। तुमको क्या लग रहा है मम्मी इसमें क्या है? सारा देख के देख, आइडिया करो, फिर भी एक आइडिया लगा के बताओ। कप है, क्या है? कप, कप है। ये किंडर जो माने बच्चों के खाने की चीज। ये कैसा लगा गिफ्ट मम्मी? है, खूब भालो। अब दिखाओ गिफ्ट क्या मिला है। किंडर जो किंगडम नियेस्ट, किंगडम दिखाओ, दिखाओ किंगडम वर्ल्ड नियेस्ट किंडर जॉय। किंडर जॉय,
किंडर जॉय কাগজটা কাগজ মমি কিন্ডার জয় দেখো ওইটাকে এত গুলো কাগজ দিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে সব এ আরে ये बहुत अच्छा होता है खाने में, तुम भी खाओ ना, तुमको भी अच्छा लगेगा। मम्मी पैकिंग कुछ पड़े कैसा लगा गिफ्ट? हमें ये जानी ना, ओपन करो, पूरा ओपन करो उसको। नहीं मुझे की आचे ना आचे जानी ये ना। देखो इसको खोलो, दो इसको खींचो, हाँ इसको रख दो। अब इसको ये चम्मच लो, ये स्पून है, ये स्पून निकालो। हाँ स्पून निकाले। अब इसके अंदर है, इसको खोलो। हाँ वहीं से खींच के उठाओ। बाबा देखा है देखा, ये क्या है? ये कैडबरी है, ओपन करो उसको। हाँ तुम क्या बोल रही थी कि हाजमोला जैसा है? हम बेबी जी हाजमोला नहीं, ये कैडबरी के जैसा है, खाओ टेस्ट करो। बाबा पोतू कायदा कैसा लगा? हेलो अच्छा लगा गाइस मम्मी को किंडर जॉय वाला सरप्राइज मिला है। किंडर खाओ और जॉय करो, किंडर जॉय, जॉयफुल रहो, खुश रहो, हमेशा हंसी खुशी रहो। तुमको अच्छा लगा ना ये सरप्राइज गिफ्ट? किंडर जॉय इससे पहले तो नहीं खाई थी ना? किंडर जॉय मम्मी ने नहीं खाया था, ऐसा भी हो सकता है, हो ही सकता है। ऐसे बहुत चीज होती है जो हम लोग नहीं खाते हैं, कोई खिलाता है। अच्छा है, ये भी है, टेस्टी है। हाँ ठीक है ठीक है गाइस, तो कैसी लगी आज की ये मजेदार व्लॉग? अगर अच्छी लगी हो तो ट्रिंग करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, और साथ ही साथ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।